24 झा एमएनएस न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीजेपी के गढ़ धनबाद में कीर्ति आजाद क्या दे पाएंगे चुनौती, जाने इस सीट का राजनीतिक समीकरण। लोकसभा चुनाव 2019 में आज 12 मई को झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट धनबाद लोकसभा सीट चुनाव सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। धनबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पशुपति नाथ सिंह का मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी कीर्ति आजाद से है। पशुपति नाथ सिंह धनबाद लोकसभा सीट से 2009 और 2014 के चुनाव में जीत चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कीर्ति आजाद धनबाद लोकसभा सीट से डीएम सिंह को हरा पाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में पशुपति नाथ सिंह ने कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को हराया था। बिहार से वर्ष 2000 में अलग होने वाले राज्य झारखंड की राजनीति में हमेशा से ही उतार चढ़ाव देखे गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड की राजनीति के समीकरण भी काफी बदलने के आसार है। केंद्र और विपक्षी पार्टियों को तैयारी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह जीत चाहती है, तो वही कांग्रेस उन्हें सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी में है। सुबह सुबह मतदान करने वाले में शीला दीक्षित, गौतम गंभीर और हर्षवर्धन। देश में हो रहे आम चुनाव के छठे चरण में राष्ट्रीय राजधानी की सभी 7 सीट पर रविवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतारें देखी गई। दिल्ली की इन सीटों से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मांकन और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर अहम चेहरे हैं। सुबह सुबह मतदान करने वाले में दीक्षित, माकन, हर्षवर्धन, गंभीर और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल शामिल रहे। चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल ने अटिया महल और बल्ली मारन विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों में ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया। तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जनरल सिंह ने भी ट्वीट करके एक मतदान केंद्र में ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम दिल्ली की विधानसभा संख्या 29 में मतदान केंद्र 27 में एक ईवीएम सुबह से काम नहीं कर रही है। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक पर दिया बादल वाला फंडा। लोगों ने कहा हाउस द पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान बालाकोट एयर स्ट्राइक पर दिया बादल वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की जा रही है। इसके साथ कई मीम भी वायरल हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक वाला बयान एक इंटरव्यू में दिया। पीएम मोदी से जब पूछा गया, क्या आप उस रात सोए थे जब एयर स्ट्राइक को हमारे जवान गए थे, जवाब में पीएम मोदी ने कहा, मैं पूरे दिन बहुत व्यस्त था। बार मेमोरियल का उद्घाटन था, चुरू में रैली करने गया था। मेरा कार्यक्रम तय समय के अनुसार चल रहा था। मैं टीम प्लेयर हूँ, जैसे काम असाइन होता है मैं करता हूँ। यह काम टीम ने किया था। रात को 9 बजे मैंने रिव्यू किया, फिर रात को 12 बजे रिव्यू किया। हमारे सामने उस दिन समस्या थी कि उस वक्त का मौसम खराब चल रहा था। यह बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ। अचानक मैंने एक वक्त के लिए सोचा कि क्या एयर स्ट्राइक की तारीख बदल दी जाए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में इस मौसम में हम राइड से बच सकते हैं। 1:30 बजे हमने मूवमेंट शुरू किया। हम 3-4 दिन से पाकिस्तान के किसी और स्थान के बारे में चर्चा चला रहे थे। हमारे एक सेट जहाज वहाँ गए भी थे, जिससे पाकिस्तान उस जगह को लेकर फोकस हो गया। तो एमएनएस न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।